हेलो गाइस, अभी अपना रिडॉक्स रिएक्शन का पार्ट 3 रिज्यूम करना है। सो लास्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 22 देखे थे, उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 23। तो वर्कशीट में से क्वेश्चन नंबर 23 रेफर करो। अपना क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इम्पोर्टेंट है, प्लीज डबल स्टार करके रखो इसको भी। 1 मोल ऑफ N2H4 1 मोल हाइड्राजिन इज गिवन टू यू। 1 मोल ऑफ N2H4 loses 10 इलेक्ट्रॉन्स बोला जा रहा है। 1 मोल ऑफ N2H4 loses 10 इलेक्ट्रॉन्स। एंड आगे बोला गया है, अज्यूमिंग दैट ऑल नाइट्रोजन अपियर इन न्यू कंपाउंड, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। मतलब ऐसा कि N2H4 का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक नया कंपाउंड तैयार हो रहा है नाइट्रोजन का, और अपने को ये नहीं पता कि ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का ये नए कंपाउंड में कौन सा है। तो यू नीड टू फाइंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस कंपाउंड। जो भी कंपाउंड नाइट्रोजन का बनेगा उसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है वो हमको आइडेंटिफाई करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन आपको दिए गए, ऑप्शन इज -1 -1 -3 +3 एंड +5। चार ऑप्शन में से आपका -1 -3 +3 +5 ये आपको ऑप्शन दिया गया है। और सबसे पहली चीज, N2H4 इज हाइड्राजिन, तो इन N2H4 नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हमको। तो 2x प्लस 4 इंटू माइनस 1 इज 0, सॉरी 2x प्लस 4 इंटू प्लस 1 इज 0, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी -4, x की वैल्यू आ जाएगी -2। ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का -2 है इन हाइड्राजिन। अब सबसे पहली चीज, इसको बहुत सिंपल बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं हम। दो नाइट्रोजन N2H4 में प्रेजेंट है और दो नाइट्रोजन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे, तो ऑब्वियसली एक नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 5 इलेक्ट्रॉन। अपने पास में N2H4 में ही बोला गया है N2H4 loses 10 इलेक्ट्रॉन्स, N2H4 के 10 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जा रहे, तो ऑब्वियसली दो नाइट्रोजन 10 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो एक नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 5 ऑब्वियसली। तो ऑब्वियस अपने पास में अब इसका रिलेशन, अपने को नए कंपाउंड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो अगर सपोज आपने कंसिडर करे, 1 नाइट्रोजन डोनेट्स 5 इलेक्ट्रॉन, सपोज ये आपकी नंबर लाइन 0, दिस इज -1 -2, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, आपका ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का कैसे चेंज होगा? रिएक्टेंट में आपका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है नाइट्रोजन का, जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ऑक्सीडेशन विल बी -1, दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 0, 3 इलेक्ट्रॉन गए तो +1, 4 इलेक्ट्रॉन गए तो +2 और 5 इलेक्ट्रॉन गए तो +3। तो आपको ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसमें +3 रहेगा। क्यों? क्योंकि एक नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन जा रहे, तो -2 में से 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए आपने, दैट विल बी +3। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड सो फॉर विल बी +3। आपका इस ऑप्शन अगर देख रहे फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑप्शन आपका सी ऑप्शन इज +3, सो प्लीज टिक +3, सी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिकल, ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन आए तो आपको सॉल्व करते आने चाहिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लीज टिक ऑप्शन सी। वर्कशीट जो आपको दी गई उसमें सी ऑप्शन टिक करो, फिर उसके बाद का क्वेश्चन सॉल्व कर दे। क्वेश्चन नंबर 24, दिस क्वेश्चन नंबर 23। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 23 लेट सॉल्व क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, तो क्वेश्चन नंबर 24 में इफ यू कंसीडर क्वेश्चन 24, उसमें आपको दिख रहा है, यानी क्वेश्चन ऐसा है, फॉस्फोरस सल्फर एंड क्लोरीन अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन इन। आपको ये बोला गया फॉस्फोरस सल्फर और क्लोरीन, इन तीनों के डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन कौन से मीडियम में होंगे? ऑप्शन ए एसिडिक, ऑप्शन बी अल्कलाइन, ऑप्शन सी न्यूट्रल एंड ऑप्शन डी
बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, ए एंड बी, ये आपको दिया गया है. क्या बोला गया है? फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, इनमें से इन तीनों का कौन से मीडियम में, कौन से मीडियम में डिसप्रोपोर्शनेट, डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन होगा. इंपॉर्टेंट चीज अपनी ऐसी, इसके पहले कि आप अगर वीडियो चेक करेंगे तो उसमें मैंने बताया था कि क्लोरीन का डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन अल्कलाइन मीडियम में होता है. तो बेसिकली क्लोरीन का अल्कलाइन में होगा, फॉस्फोरस एंड सल्फर का भी अल्कलाइन मीडियम में ही होगा. तो फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन ऑल अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन इन अल्कलाइन मीडियम. तो प्लीज टिक ऑप्शन बॉम्बे, वर्कशीट आपको दी गई है, प्लीज कंसिडर ऑप्शन बी एज करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24. तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बॉम्बे रहेगा. तो याद रखो, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इनका डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन अल्कलाइन मीडियम में होता है. तो आंसर इज अल्कलाइन मीडियम. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 के बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 25. लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 25 में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑक्सीजन हैज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट. आपको कुछ कंपाउंड दिए गए हैं और इन कंपाउंड में, क्वेश्चन नंबर 25, और इन कंपाउंड में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन आपको निकालना है. यू नीड टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द गिवन कंपाउंड्स. और आपके जो कंपाउंड दिए गए वो ये है, OF2, then H2O2, that is peroxide, then KO2, फिर उसके बाद में दूसरा जो कंपाउंड है O2F2. ऐसे आपको चार कंपाउंड दिए गए हैं, इनमें से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का हाईएस्ट और लोएस्ट किसमें वो निकालना है. सबसे पहले इफ यू कंसिडर ऑक्सीजन, दिस इज X, फ्लोरिन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो 2 × −1 इज 0, एक्स की वैल्यू +2 हो जाएगी. तो ऑक्सीजन का सबसे बड़ा ऑक्सीडेशन नंबर +2 रहता, वो आ जाएगा OF2 में. H2O2 इज अ परऑक्साइड, इन परऑक्साइड हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रहता. KO2 जो है इट इज पोटेशियम सब ऑक्साइड है, ये सब ऑक्साइड. देखो अब आपके पास में सुपर ऑक्साइड, आपके पास में अलग अलग टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर रहते हैं. सुपर ऑक्साइड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -1/2, इसको ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -1/2, और O2F2 में इसका रहेगा +1. तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोएस्ट एंड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर. तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का -1 रहेगा इन H2O2. नंबर लाइन अगर प्लॉट की जाए तो ये दिस इज +1, +2, −1, −2. तो सबसे कम वैल्यू आ रही -1, 0 और −1 के बीच में -1/2 रहता. तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर अगर देखे, सबसे ज्यादा आ रहा इन OF2 और सबसे कम H2O2 में. तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? लेट्स चेक. तो आपके ऑक्सीडेशन नंबर में 25th क्वेश्चन, हाईएस्ट इज गिवन इन, यानी हाईएस्ट इज इन OF2, हाईएस्ट OF2, OF2 एंड लोएस्ट इज इन H2O2. तो आपका ऑप्शन बॉम्बे करेक्ट है. तो प्लीज टिक ऑप्शन बॉम्बे, बॉम्बे ऑप्शन को टिक करो. हाईएस्ट इज गिवन इन OF2 एंड लोएस्ट इज गिवन इन -1 इज लोएस्ट, दैट इज गिवन इन H2O2 परऑक्साइड. तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, वेरी सिंपल क्वेश्चन. आपका 25th का आंसर रहेगा बॉम्बे. फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाला सॉल्व करेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 26. प्लीज नोट करो ये, देन क्वेश्चन नंबर 26. हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 26 देखते. क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 भी बहुत सिंपल है. क्वेश्चन नंबर 26 में, द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज, आपको पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा गया है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग इज,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे निकालेंगे? आपको पहला ऑप्शन दिया है H3BO3 दैट इज ऑर्थोबोरिक एसिड, HPO2 मेटाफॉस्फोरस एसिड, फिर थर्ड वाला H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड एंड डी H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। चार एसिड दिए गए आपको और पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको निकालना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको निकालना है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऐसी कि जब भी आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालना हो, वेन एवर यू नीड टू कैलकुलेट और वेन एवर यू नीड टू प्रेडिक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑलवेज कंसिडर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एलिमेंट अब मेन चीज ऐसी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या? What is oxidizing agent? Oxidizing agent is a substance which itself undergoes reduction. तो आपके जितने भी एसिड्स दिए गए रहेंगे, ट्रिक छोटी सी, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो सेंट्रल एलिमेंट के, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा रहेगा दैट विल बी द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक बार फिर रूल आप, या दिस इज ट्रिक फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। पहला ट्रिक या रूल क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एलिमेंट का निकालो, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा रहेगा दैट विल बी द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना अपना टास्क है। तो फॉस्फोरस का इट इज प्लस 5, HPO3 में इट इज प्लस 5, H3BO3 में इट इज प्लस 3, सल्फ्यूरिक एसिड में इट इज प्लस 6। रूल्स लगा के मैंने वैलेंसी यानी ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, इससे ये मालूम पड़ रहा कि सल्फ्यूरिक एसिड का ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा है, तो प्लीज टिक सल्फ्यूरिक एसिड को टिक करो। तो अपना ऑप्शन डी रहेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर के लिए ऑप्शन डी टिक करो, प्लीज टिक ऑप्शन डी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 26। इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27 ऐसा है, व्हेन SO2 गैस इज पास्ड थ्रू एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या बोला गया आपको कि SO2 गैस को पास कर रहे हैं हम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से। अपने को याद रहना चाहिए K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इसके पहले बोला गया है। आपको ये बोला जा रहा है SO2 गैस को इस सॉल्यूशन में से पास किया जा रहा है। एक हमेशा पॉइंट ध्यान रखो, वेन एवर यू पास SO2 गैस थ्रू एसिडिफाइड K2Cr2O7 फॉलोइंग इन्फरेंस होगा, इसका कंक्लूजन क्या रहेगा, कंक्लूजन या चेंज क्या होगा रिएक्शन में, ऑरेंज कलर चेंजेस टू ग्रीन, ये पॉइंट ध्यान रखो, ऑरेंज कलर चेंजेस टू ग्रीन एंड दिस इज टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस डिटेक्ट करने की टेस्ट है। ठीक है, अब आपको क्या बोला जा रहा है चेक करते अपन, आपको ये बोला जा रहा है SO2 गैस इज पास थ्रू एसिडिफाइड K2Cr2O7 एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज क्रोमियम सल्फेट, द चेंज इन वैलेंसी ऑफ क्रोमियम इज, क्रोमियम की वैलेंसी में क्या चेंज होगा। तो आपको याद होना चाहिए ये वाला पॉइंट, इसके पहले बताया हुआ है, इन एसिडिक मीडियम K2Cr2O7 चेंजेस टू Cr+3 आयन, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस 6, इसका है प्लस 3, तो आपका चेंज होगा फ्रॉम प्लस 6 टू प्लस 3, तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, प्लीज चेक करो। तो आपको ऑप्शन सी दिख रहा है, ऑप्शन सी इज गिवन प्लस 6 टू प्लस 3। तो इन एसिडिक मीडियम हमेशा याद रखो K2Cr2O7 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिर्फ H2SO4 के ही प्रेजेंस में काम करता है, वेयर एज KMnO4 एक्ट इन न्यूट्रल बेसिक एज वेल एज इन एसिडिक मीडियम। तो बेटर कौन सा है, KMnO4, K2Cr2O7 इज यूज टू डिटेक्ट SO2 गैस एंड चेंजेस फ्रॉम प्लस 6 टू प्लस 3, तो इतना सिंपल सा पॉइंट है आपका, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन।
सो प्लीज टिक ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. आप ऑप्शन सी टिक करो, ये आपका आंसर रहेगा. तो आपके क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर सी है. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 27 आंसर इज सी. फिर उसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 28 में आपको बोला गया है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर हाफ रिएक्शंस आर गिवन. कुछ हाफ रिएक्शंस दी गई आपको. F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2F माइनस, इसका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 2.85 है. रिडक्शन E0 रिडक्शन वैल्यू बोली जा रही है आपको. सेकेंड बोला जा रहा है Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cl माइनस, और इसका E0 वैल्यू आपको दिया जा रहा 1.36 वोल्ट. फिर उसके बाद Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Br माइनस 2 टाइम्स, इसका वैल्यू दिया जा रहा आपको प्लस 1.06 वोल्ट. और I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स I माइनस 2 टाइम्स, इसका E0 वैल्यू दिया जा रहा है दैट इज इक्वल टू प्लस 0.53 वोल्ट. ये इतने वैल्यूज आपको दिए गए हैं, ये वैल्यूज आपको दिए गए हैं, और ये वैल्यू पे से आपको प्रेडिक्ट करना है कौन सा वाला क्या दिया गया. आपको प्रेडिक्ट क्या करना है, द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट आर, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, इनमें से कौन से आपको प्रेडिक्ट करना है. इंपॉर्टेंट चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जिनका खुद का रिडक्शन होगा. फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका सिर्फ रिडक्शन होता है, इसका कभी ऑक्सीडेशन होगा नहीं. EMF सीरीज के हिसाब से फ्लोरीन की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे ज्यादा है आपको दिए गए एग्जांपल में से. सबसे ज्यादा वैसे फ्लोरीन का ही है 2.85, बट इज रिडक्शन पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अंडरगो रिडक्शन. और जिनका रिडक्शन होता है वो कौन से एजेंट रहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो फ्लोरीन जो रहेगा विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको टिक करना है फ्लोरीन. फ्लोरीन विल बी योर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, तो कोई भी अगर क्वेश्चन रहे जिसमें स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा जाए तो हमेशा आंसर फ्लोरीन ही रहेगा. अब इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा रहेगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसा वाला रहेगा जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम रहेगी, यानी उसका ऑक्सीडेशन जल्दी होगा. तो आपका आयोडीन जो रहेगा, आयोडीन उसका ऑक्सीडेशन बहुत इजीली हो जाएगा. तो अपन बोलेंगे ऐसा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा आपका फ्लोरीन, और रिड्यूसिंग एजेंट जो स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा दैट विल बी आयोडीन. तो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट में ऑप्शन रहेगा फ्लोरीन और आयोडीन. तो फ्लोरीन और आयोडीन आपको दिया गया है इन ऑप्शन ए. तो प्लीज टेक ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर, उसका आंसर ए रहेगा. प्लीज टेक ऑप्शन ए. ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दें. क्वेश्चन नंबर 29, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन नंबर 29 कैसे सॉल्व होगा प्लीज चेक करो. आपको ये बोला जा रहा, अ गैस एक्स एट 1 atm इज बबल थ्रू सॉल्यूशन कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ m1 molar y and 1 molar z. आपको ये बोला जा रहा कि कंटेनर है, ये कंटेनर में दो चीजें प्रेजेंट है, टू सॉल्यूशन आर प्रेजेंट, सॉल्यूशन ऑफ y एंड z. इस सॉल्यूशन में से हम क्या बबल कर रहे हैं, इस सॉल्यूशन में से हम बबल कर रहे गैस एक्स, एक्स गैस को हम इसमें से बबल कर रहे हैं, और पोटेंशियल टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस. एंड सेकेंड और क्या बोला गया आपको इसमें कि प्रेशर जो है, प्रेशर इज 1 atm, प्रेशर 1 atm दिया गया है, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दिया गया है. आपको ये बोला गया है इफ द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जेड इज ग्रेटर देन वाई इज ग्रेटर देन एक्स, रिडक्शन पोटेंशियल
रिडक्शन पोटेंशियल z का y से ज्यादा है एज कम्पेयर टू x, देन आपको कुछ चीजें प्रेडिक्ट करना है और ऑप्शन में पहला ऑप्शन ये है y will oxidize x and not z. क्या बोला जा रहा है कि y ऑक्सीडाइज कर देगा x को, ऐसा बोला जा रहा है कि जैसे जब आपने x डाले तो y will oxidize x. अब सिंपल सा पॉइंट है, y का पोटेंशियल रिडक्शन का ज्यादा है किससे, x से, तो y क्या करेगा x के इलेक्ट्रॉन ले लेगा. सीधी सीधे पॉइंट, जैसे x आएगा y का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो y किसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा, x के, तो y विल ऑक्सीडाइज x बट y cannot ऑक्सीडाइज z. तो ये ऑप्शन आपको ए दिया था एंड दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट. पहले ऑप्शन आपको करेक्ट आ जा रहा. फिर से एक पॉइंट बोल रहा, एक बार क्वेश्चन क्या है समझ लो. आपको एक कंटेनर दिया गया है, ये कंटेनर में y और z है और इस कंटेनर में मिक्स गैस बबल कर रहे, और आपको ये बोला गया है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ z इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन x. मतलब अगर सपोज z के सामने इलेक्ट्रॉन्स है, y के सामने इलेक्ट्रॉन्स है और x के सामने इलेक्ट्रॉन्स है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन छीनेगा, तो आंसर उसका z है. z की ताकत इलेक्ट्रॉन छीनने की y से ज्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ x. अब जैसे x सॉल्यूशन में आएगा तो इलेक्ट्रॉन छीनने की कैपेसिटी y की x से ज्यादा है, तो y क्या करेगा, x के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, y का खुद का हो जाएगा रिडक्शन, x का क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन. तो इसका मतलब y विल ऑक्सीडाइज x, ये पॉइंट करेक्ट है, बट y विल नॉट ऑक्सीडाइज z, y z को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता. सही है, क्यों, क्योंकि z y के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, क्योंकि z का रिडक्शन पोटेंशियल y से ज्यादा है. तो आपको ऑप्शन ए सही है. तो फॉर क्वेश्चन नंबर 29 के लिए ए विल बी करेक्ट ऑप्शन. तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, प्लीज टेक ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 29. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायग्राम निकालो आपको समझ में आ जाएगा. अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते, क्वेश्चन नंबर थर्टी. टेंथ के बेस का क्वेश्चन नहीं वाला, क्वेश्चन नंबर 30. द वायलेंट रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ द वायलेंट रिएक्शन बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 30. सोडियम को अगर पानी में डाले, ठीक है, तो क्या मिलता है, वी गेट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस एंड दिस हाइड्रोजन गैस कैचेस फायर. ये सबको पता है वाली रिएक्शन. इसके लिए सोडियम को हम केरोसिन के अंडर स्टोर करते हैं एंड हम सोडियम को पानी के कॉन्टेक्ट में आने नहीं देते. ये मेन रीजन है सोडियम को केरोसिन के अंडर स्टोर करने का. बट अब इसमें ऐसा बोला जा रहा कि अगर सोडियम को पानी में डाला जाए तो इसकी एक वायलेंट रिएक्शन होगी, तो ये रिएक्शन कौन सी वाली है, ऐसा पूछा जा रहा है. ऑप्शन दिया गया आपको ए इज रिडक्शन, ऑप्शन बी दिया जा रहा है आपको ऑक्सीडेशन, ऑप्शन बी बोला जा रहा है ऑक्सीडेशन, ऑप्शन सी दिया जा रहा है आपको रिडॉक्स, और ऑप्शन डी बोला जा रहा है न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन, तो न्यूट्रलाइजेशन तो कोई हाल में नहीं है क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन नहीं है. अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इन स्टैंडर्ड स्टेट इज जीरो. NaOH जब फॉर्म होगा तो सोडियम का आ जाएगा +1, हाइड्रोजन का यहाँ पे +1 है, जब हाइड्रोजन गैस बनेगी तो हो जाएगा जीरो. तो जीरो टू +1 इज ऑक्सीडेशन एंड +1 to 0 इज रिडक्शन. इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है, हेंस रिएक्शन इज रिडॉक्स. इसके लिए आपकी रिएक्शन रिडॉक्स है. तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. सिर्फ आपको ये प्रेडिक्ट करना था कि रिएक्शन कौन सी है, तो सोडियम को पानी में डाला जाए तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये आपको दिया हुआ नहीं है रिएक्शन, ये आपको खुद लिखना है. आपको सिर्फ बोला जा रहा है द वायलेंट रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड वाटर इज अ टाइप ऑफ, तो आंसर विल बी रिडॉक्स रिएक्शन. प्लीज टेक रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 30 रहेगा. दिस क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 30 के बाद आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर दे. सिंपल से क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है भले, एनसीईआरटी की पूरे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश कर रहा हूं मैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 31 ऐसा दिया जा रहा है आपको, द ऑक्सीडेशन सॉरी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मोर सॉल्ट FeSO4 डॉट
NH4 taken twice SO4 taken twice SO4 dot 6H2O इसको मोहर सॉल्ट बोलते हैं मोहर सॉल्ट ये एक्चुअल में इट इज अ डबल सॉल्ट ये डबल सॉल्ट है इट इज अ डबल सॉल्ट मतलब एक ऐसा सॉल्ट जिसको पानी में डालने के बाद में वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा और एवरी आयन कैन बी डिटेक्टेड जितने भी सॉल्ट से दो सॉल्ट से बना हुआ है ये दोनों सॉल्ट कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे एंड एवरी आयन कैन बी डिटेक्टेड बाय इट्स केमिकल टेस्ट मोहर सॉल्ट एक डबल सॉल्ट है अब आपको ये पूछा जा रहा कि मोहर सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट कितना है इक्विवेलेंट वेट पूछा जा रहा आपको और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट अब इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हमको लगेगा K2Cr2O7 इज यूज टू ऑक्सीडाइज मोहर सॉल्ट अभी इसके पहले भी मैंने आपको बताया था फिर एक बार बता रहा हूं इक्विवेलेंट वेट जब Fe आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो इट कन्वर्ट्स टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट Fe +2 से +3 में कन्वर्ट होगा व्हेन रिएक्टेड विद K2Cr2O7 आपको मैंने इक्विवेलेंट वेट Cr का बताया था दैट वाज M/6 यहां पे आपका Fe का बैलेंसिंग अगर देखे तो ये 6 Fe विल गिव 6 Fe +6 इलेक्ट्रॉन ऐसा वाला पॉइंट होता है बट आपको क्या पूछा जा रहा है व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंट वेट क्या रहेगा इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिक्यूलर वेट बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर तो आपका मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे m सपोज तो ये रहेगा 6 सॉरी इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 इसका +2 है 3 - 2 दैट इज m/1 तो आपका इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल रहेगा तो मोर सॉल्ट्स इक्विवेलेंट वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट बोथ विल बी सेम तो इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट प्लीज नोट फॉर मोहर सॉल्ट इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू दैट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट तो आपके क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन चलो वो ऑप्शन चेक कर दे इज इट्स इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑप्शन ए ही दिया गया है एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा सो प्लीज नोट फॉर मोहर सॉल्ट इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ठीक है इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी दिस इज क्वेश्चन नंबर 31 आज पूरी वर्कशीट तो कोई भी हाल में खत्म करना है हमको क्वेश्चन नंबर 31 है और 15 क्वेश्चन है तो 31 के बाद और 4 या 5 क्वेश्चन हम भी सॉल्व करता हूं फिर और एक पार्ट बनाता हूं इसका और ये सब आपको यूट्यूब पे फेसबुक पे अपलोड करते हुए ये आपको देखने में मिलेगा लाइव जाने नहीं मिल रहा है इंटरनेट इशू बहुत ज्यादा हो रहा है ये अभी ऐसा हुआ कि 21 डेज का लॉकडाउन है अब लॉकडाउन है तो सब लोग इतना नेट यूज कर रहे हैं कि नेट ही नहीं स्पीड ही नहीं मिल रही है क्वेश्चन नंबर 32 द सेट ऑफ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट दैट बैलेंसेस द इक्वेशन आपको K2CrO4 दिया है पोटेशियम क्रोमेट प्लस HCl इन एसिडिक मीडियम गिव्स K2Cr2O7 प्लस KCl प्लस H2O इसके बारे में भी आपको बोलना चाहूंगा ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट सेक्टर में की रिएक्शन है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की रिएक्शन है ये आपकी इसको बैलेंस करने के लिए बोला गया है आपको बट हमेशा याद रखो योर क्रोमेट आयन चेंजेस टू डाइक्रोमेट आयन ये क्रोमेट आयन है क्रोमेट CrO4 माइनस इस क्रोमेट आयन -2 सॉरी और ये जो आयन है आपका Cr2O7 -2 ये डाइक्रोमेट आयन है दिस इज क्रोमेट और ये डाइक्रोमेट है क्रोमेट और डाइक्रोमेट का कुछ रिलेशन होता है यस देयर इज रिलेशन बिटवीन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट दे आर ऑलवेज एट इक्विलिब्रियम एक पॉइंट ध्यान रखो क्रोमेट आयन में अगर आपने एसिड डाले तो इट कन्वर्ट्स टू डाइक्रोमेट एंड डाइक्रोमेट में अगर आपने बेस डाले तो इट कन्वर्ट्स टू क्रोमेट आयन ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन आर ऑलवेज एट इक्विलिब्रियम क्रोमेट में आपने एसिड डाले तो डाइक्रोमेट मिलता है और डाइक्रोमेट में अगर बेस डाले तो आपको बेस तो आपको क्रोमेट मिलता है तो क्रोमेट एसिड डाइक्रोमेट बेस गिव्स क्रोमेट ठीक है अब इसका आपको बैलेंसिंग पूछा गया है बैलेंसिंग में
सिंपल सिंपल से कंसेप्ट है। तो लेट्स से इसकी बैलेंसिंग कैसे होगी, इसको आप अलग तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो ऑप्शंस में आपका पहला ऑप्शन ये है, ए इज 1 1 2 2 1। ऑप्शन बी आपको दिया गया है 2 2 1 1 1। ऑप्शन सी गया है 2 1 1 2 1। और ऑप्शन डी आपको दिया गया है 2 2 1 2 1। ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इन ऑप्शंस में से सब वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करना है। रिवर्स से हम स्टार्ट करते हैं डी से, तो 2 टाइम्स ऑफ K2Cr2O7 प्लस 2 टाइम्स ऑफ HCl, 2 टाइम्स ऑफ HCl गिव्स K2Cr2O7 प्लस 2 टाइम्स ऑफ KCl प्लस H2O। तो हर एक एटम्स चेक करते देखते बैलेंस है या नहीं। यहाँ पे पोटेशियम 4, यहाँ पे 2 और 2 4, यहाँ पे Cr2 × 2 = 4, यहाँ पे 2 Cr हो रहा है, और सॉरी K2CrO4 है, दिस इज K2CrO4। तो यहाँ पे 2 Cr, यहाँ पे 2 Cr है, 2 × 4 = 8, 8 ऑक्सीजन, यहाँ पे 7 and 1 = 8 ऑक्सीजन। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्लोरीन 2 टाइम्स है 2 टाइम्स ऑफ क्लोरीन, तो इसका मतलब सब चीज बैलेंस है इसमें, तो ऑप्शन डी आपको करेक्ट रहेगा। प्लीज टिक ऑप्शन डी, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका, तो 32 का ऑप्शन डी रहेगा, प्लीज टिक ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस तरीके से बैलेंसिंग करना है। मैंने उल्टा चालू करा, आप ऐसे चालू करते तो शायद डी ऑप्शन तक ही आते, उल्टा चालू करा लकीली वही आंसर निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर डेली है, प्लीज टिक ऑप्शन डेली। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करते, एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते, फिर और एक पार्ट रहेगा इसका, छोटा सा ब्रेक लेते, फिर उसके बाद में और एक ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आपके लिए, और एक ही पार्ट पूरा रिडॉक्स के 45 क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसा बोला गया है, थायोसल्फेट रिएक्ट्स डिफरेंटली विद आयोडीन एंड ब्रोमीन। थायोसल्फेट बोला गया आपको, H2 2 times of H2O3 - 2 प्लस I2 गिव्स S4O6 2 - + 2I - ये सबसे पहला पॉइंट दिया गया आपको। फिर आगे और ये बोला गया H2O3 2 - + Br2 + 5 times of H2O गिव्स 2 times of SO4 - 2 + 2 times of Br - + 10 times of H+। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें आपको ये बोला गया है कि ये दो रिएक्शन है जिसमें थायोसल्फेट आयन आपके आयोडीन और ब्रोमीन के साथ अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। अब आपको ये बोला जा रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जस्टिफाई द अबाउट डुअल बिहेवियर ऑफ थायोसल्फेट। इसका डुअल बिहेवियर आपको जस्टिफाई करना है। आपका पहला ऑप्शन है ब्रोमीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट देन आयोडीन, पहला ऑप्शन आपका ब्रोमीन इज स्ट्रॉन्गर देन आयोडीन, ब्रोमीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कम्पेयर टू आयोडीन, ऐसा पूछा जा रहा है। तो अपने को ये चेक करना है H2O3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। तो H2O3 अब बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अगर सपोज ब्रोमीन, आपका ऑप्शन क्या बोल रहा है, ए ब्रोमीन इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन आयोडीन। अगर आपका ब्रोमीन ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का ज्यादा मात्रा में चेंज करता है अगर, तो ही ब्रोमीन आपका आयोडीन से बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, H2O3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो 2x + 3 × -2 = -2, तो आपका आंसर 2x का आ जाएगा ये -6 उधर जाके +6, ये 4 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी +2। तो आप ये ध्यान रखो H2O3 थायोसल्फेट में इसका +2 रहेगा सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन थायोसल्फेट, इट इज +2। अब ध्यान से देखो, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन जब हो रही तो सल्फर आपका इसमें कन्वर्ट हो रहा है SO4 में इसका +6 रहता, और H4O6 का अगर देखेंगे आप तो 2.5 विल बी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 2.5 प्लस साइन के साथ विल बी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर,
सल्फर का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ आएगा आपका, दिस विल बी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर डबल बॉन्ड रो डबल बॉन्ड रो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड रो डबल बॉन्ड रो डबल बॉन्ड रो. तो आपका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 2.5 आएगा. विल गेट 2.5 एज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको इसका मिलेगा. डबल बॉन्ड नहीं, ओ माइनस आना चाहिए, दिस विल बी अगेन ओ माइनस. इस तरीके से आपका ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का मिलेगा 2.5. उसका स्ट्रक्चर बता दिया मैंने, स्ट्रक्चर की वजह से फिलहाल जरूरत नहीं है अपने को. फिर उसके बाद अगर आप देख रहे होंगे ब्रोमीन चेंज करवा रहा 6-2=4 से, 4 ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करवा रहा है ब्रोमीन. और ये अगर देखेंगे आप आयोडीन, आयोडीन इज गोइंग टू कॉज चेंज इन 2.5-2=0.5. आयोडीन चेंज करवा रहा है कितने से, 0.5 से. तो ऑब्वियसली ब्रोमीन इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन आयोडीन. तो आपका ऑप्शन ए सही है, तो आपका ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. तो आपको ये बोला जा रहा है ब्रोमीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट देन आयोडीन, देयरफॉर ए इज करेक्ट ऑप्शन. प्लीज टेक ऑप्शन ए, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा चेंज हो रहा है. हाँ, ये क्वेश्चन कब टिपिकल हो सकता था, जब आपको ये रिएक्शन ना दी होती. मतलब अगर आपको डायरेक्ट बोला जा रहा कि प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट एंड डायरेक्ट अगर प्रेडिक्ट करना रह रहा तो आपको थोड़ा डिफिकल्टी जा रही. बट उसने प्रोडक्ट दिया है, अगर प्रोडक्ट नहीं दिया रहा तो आपको याद रहना कि सल्फेट बनता विथ ब्रोमीन और H4O6-2 बनता है विथ आयोडीन. ठीक है, तो ये इतना पॉइंट याद रखना है. अगर रिएक्शन ना दी गई हो तो आपको इसके प्रोडक्ट याद रहना चाहिए. ये आइडोमेट्री वगैरह में सब में आपको मिलेंगे. यू ऑल्सो गेट द नॉलेज अबाउट दिस इन एनसीईआरटी टेक्सटबुक. एनसीईआरटी टेक्सटबुक में भी ये रिएक्शंस है. ठीक है, तो आपके क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन ए रहेगा. 33 का ऑप्शन ए है, प्लीज टेक ऑप्शन ए. यहाँ पे उसने दिया है रिएक्शन, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही. अगर रिएक्शन ना दी जाए तो आपको थोड़ा लोड रहेगा. लोड इन द सेंस इतना भी लोड नहीं है, इट इज इजी. ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34. तो क्वेश्चन नंबर 34 और 35 सॉल्व करते हैं, देन वी विल हैव अ शॉर्ट ब्रेक. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 34 एंड क्वेश्चन नंबर 34. द केमिकल दैट अंडरगोस सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. द केमिकल दैट अंडरगोस सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन. सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन किसका होगा ऐसा पूछा गया है. ऑप्शन ए दिया गया आपको, बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल. ऑप्शन बी आपको दिया गया एसीटोन. ऑप्शन सी आपको दिया गया फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड. एंड ऑप्शन डी आपको दिया जा रहा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड. ठीक है, तो ऑप्शन ए अल्कोहल, बेंजिल, बी एसीटोन, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटिक एसिड. अब एक पॉइंट जान रखो, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने एक रिएक्शन पढ़ी है जिसको कैनिजरो रिएक्शन बोला जाता है, कैनिजरोस. ऑल दोस कंपाउंड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन व्हेन रिएक्टेड विद 50% NaOH, 50% NaOH शोस कैनिजरोस रिएक्शन. तो कैनिजरोस रिएक्शन बताने वाला जो कंपाउंड है दैट इज फॉर्मल्डिहाइड. तो प्लीज टिक ऑप्शन सी. ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड जो है उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और जिनका अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है दे अंडरगो कैनिजरोस. कैनिजरोस की भी अपन लेक्चर लेंगे बाद में, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में. विल स्टडी कैनिजरोस रिएक्शन इन डिटेल इन दैट चैप्टर. ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन. तो आपको ऑप्शन सी रहेगा पहले, फॉर क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आपको ऑप्शन सी रहेगा. तो इस वीडियो का लास्ट लेक्चर, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35. लेट सॉल्व क्वेश्चन नंबर 35. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट. क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 ऐसा दिया गया आपको, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज इवेल्यूटेड ऑन बेसिस ऑफ सर्टन रूल्स. आपको ये बोला जा रहा है ऑक्सीडेशन नंबर इवेल्यूएट करते जब हम एलिमेंट के तो कुछ रूल फॉलो करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रूल. तो आपको कुछ रूल्स दिए गए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रूल करेक्ट नहीं है ऐसा बोला जा रहा है. तो पहला वाला क्वेश्चन यानी पहला ऑप्शन आपका, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1. तो पहला ही ऑप्शन आपका गलत है. आपको ये बोला जा रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1, बट मेटल हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 भी होता है.
तो आपका ए ऑप्शन गलत है, उसने इनकरेक्ट पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 35 के लिए प्लिस्टिक ऑप्शन है, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए रूल ऐसा है, हाइड्रोजन कैन हैव प्लस वन एज वेल एज माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन का प्लस वन और माइनस वन दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर दिस पार्ट, रिमेनिंग पार्ट अपना नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।